नमस्कार दोस्तों, आज हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज वीकेंड की हमारी छुट्टी है, तो अभी आज अभी 1 बजे तो हम सो के उठ रहे हैं। और सो के उठने के बाद अब खाना सोच रहे हैं कि कुछ नाश्ता भी और खाना भी एक साथ हो जाए, तो उसके लिए कुछ बनाते हैं। तो चलिए अभी कुछ बनाते हैं, देखते हैं अभी भाई लोग क्या बना रहे हैं। मैं तो भाई बहुत जल्दी उठ, ये देखो ये वीकेंड पे भाई साहब देखो ऐसा सो रखा है जैसे इसको महीनों से सोने के लिए मिला नहीं हो। ठीक है, ये तो इधर लुढ़का पड़ा है। ठीक है, और भाई लोग हमारे क्या कर रहे हैं देखते हैं। चार ये देखो हमारे ये कैसे नीचे बैठ के पालथी मार के है ना, रात को 4 बजे तक तो बकड़ 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 रूम में लगे हुए थे। और अभी देखो उठ के अभी प्याज टमाटर कर रहा है। ये हमारा डेली रूटीन है, ये नहीं ये हफ्ते का है, वीकेंड है। हाँ वीकेंड का रूटीन है। ठीक है, और ये है तुम्हारा हमारा एक तुम्हारा नहीं हमारा गार्लिक और ये जिंजर मतलब अदरक। ठीक है, और इधर जी ये देखो जी ये मैं आटा गूंद रहा हूँ। ये ब्लॉगर था भाई, ये देखो तुम्हारा ये आटा गूंदते हुए आटा गूंद रहे हैं। फिर इनका आटा गूंदने का इन्होंने दूसरे पे भरोसा नहीं किया। वो दूसरा बंदा बोला मैं आटा गूंदता हूँ, तो बोला नहीं नहीं तू गीला कर देगा, और भरोसा नहीं हुआ इसलिए अपने आप खुद गूंद रहा है। ठीक है, अभी मेरे को लगता है कि ये आटा ऑलमोस्ट गीला हो चुका है। नहीं, जिस चीज का डर था वही हुआ। नहीं नहीं, क्या बोलते हो? ऐसे लग रहा है मेरे को, देखो पानी ज्यादा हो गया। पहले पतीला छोटा है बट ऐसा नहीं हुआ है। चलो देखते हैं। ये भाई साहब प्याज काटते हुए आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। आज रूम में ऐसे बनाते हैं, इधर दुबई में इस तरीके का खाना स्टाइल है, हफ्ते में ऐसे बनेगा। क्योंकि बाहर धूप है, आलसी लोग हैं जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो फिर कोई अभी रेस्टोरेंट भी खुला होगा कुछ पता नहीं है, इसलिए रूम में कहीं से प्याज का जुगाड़ है। ये प्याज भी कम से कम 1 महीने पुराना होगा मेरे को लगता है, क्योंकि आलसी लोग कोई बनाते है नहीं, है ना। अब यार चप्पल भी आ रहा है साथ में देखना। ये जो कचरा है इन लोगों ने देखो 1 महीना हो गया इसको अभी तक बाहर नहीं फेंका, देखना कितने हाल से लोग हैं। मतलब होटल में साला दिन भर झाड़ू पोछा ये वो सो सफाई दुनिया भर का करेंगे, रूम में देखो ये देखो ये कचरा नहीं फेंका अभी। तो ऐसी है कुछ इस तरीके से है दुबई की लाइफ। जो लोग बोलते हैं हमें दुबई जाना है, अच्छी लाइफ जीनी है, लग्जूरियस लाइफ जीनी है, हाँ होगा कुछ लोगों के लिए इस तरीके से कि लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, और जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो इस तरीके की लाइफ होती है, कुछ इस तरीके से छोटा सा रूम होता है, पार्टीशन होते हैं फ्लैट के अंदर, रूम रूम के अंदर पार्टीशन, और पार्टीशन में बेड और उनमें हम बेड के ऊपर बेड बेड के ऊपर बेड। हाँ तो दो ये देखो बंकर बेड, शायद होटल वालों को तो पता होगा कि ये बेड कैसे होते हैं, बेड के ऊपर बेड। पहले दोस्तों ये है नीचे, ये हमारे बैग है नीचे, उसके ऊपर हमारे बेड, और बेड के ऊपर ये दूसरा बेड, और कहीं कहीं तो ये दूसरा बेड की जगह तीसरा बेड भी होता है। ठीक है ना, तो ये भाई साहब अभी हमारे उठने को तैयार है, उठेंगे उठ गए। और भाई साहब गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग 2 बजे। हाँ, और भाई साहब तुम्हारा प्याज टमाटर कट जाएगा आज ये? नहीं, क्या ये लगता बिल्कुल, है ये बिल्कुल ये कटेगा, कट ही जाना चाहिए। हाँ चलो ठीक है, आज कट जाएगा तो फिर आज ही खा लेंगे फिर। हाँ, हाँ। सही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे कमल भाई साहब है, इनका भी आज छुट्टी है, और ये संदीप भाई साहब इनका भी छुट्टी है, और शेखावत भाई साहब है इसका भी छुट्टी है, ऑलमोस्ट छुट्टी है। तो अभी हम जाएंगे किचन में, तो वैसे रूम से बड़ा हमारा किचन मिलता है हम लोगों को। तो ये भी जो किचन है ये कम से कम 40 से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं इसको। कौन सा किचन बोलते हैं इसको? कमर्शियल नहीं इसको, मतलब कम्बाइंड किचन बोलते हैं। इधर बहुत सारे लोग मतलब इसमें बना सकते हैं, बस सब अपन अपने अलमारी रहेंगे। जैसे ये अलमारी है, ये अपने अपने डोर है, ठीक है, ये डोर अपने अपने, तो ये सबको अलग अलग डोर दिए हुए, ठीक है, अपनी डोर से निकालेंगे सामान और फिर यहाँ पर बनाएंगे। तो ये हमारा पक रहा है दाल, ये दाल पक रहा है, और ये है आटा, ये आटा गूंदा हुआ है, ये रूम से हम गूंद के लेके अंदर से, और ये बनाएंगे हम अपने लिए खाना। तो 4 लोगों के लिए हमारी दाल पक रही है, अभी गिर भी रहे दाल थोड़ा, ये रूम में वॉशिंग मशीन में इधर बहुत खतर खतर आवाज़ कर रहा है, आवाज़ देखो कितना ज़्यादा कर रहा है, बहुत पुराना हो गया मेरे को लग रहा है। ये देखो ये एक फ्रिज है, इसमें देखो ताला ऐसे लगा रखा है जैसे कि इसमें से सबसे बड़ा काला धन इसी के अंदर है दोस्तों। देखो देखा आपने? हाँ
ये जिस रूम ये फ्लैट वाले ने जो फ्लैट वाले का जो है ठीक है ना उसका ये वाला फ्रिज है, ऊपर वाला चलता है, नीचे वाले में उसके लगता है मेरे को भी कुछ होता हुआ, देखो चलता कम बहुत स्लो उसका काम है ठीक है। और ये भी है ये अपना दूसरा वाला, ये अपने रूम वालों के अपने पर्सनल है, और जो फ्लैट वाले है वो ये वाला, पर ये चलता कम है। रूम जो देखोगे आप, देखो बाहर से ये हमारा बड़ा दरवाजा, अंदर जाओगे ये है कोप जा रही है भाई सब, देखो ये इधर बना, ये हमारी गैलरी है और इसमें पार्टीशन बने हुए हैं, और ये हमारा बिग रूम, बिग रूम तो नहीं कहेंगे, छोटा ही रूम है। ये हमारा कटिंग रेडी हो गया है दाल के लिए, दाल पक रहा है हमारा, तो दाल में लगेगा उसमें 30-35 मिनट इसमें, तब तक हम रोटी बना लेते हैं, जब तक ये दाल पकेगा तब तक रोटी आपका शुरू। क्या रही है चल के नहीं भाई, हाँ ये ऊपर हो जाता ना, ये ऐसे क्यों हो रहा है क्या, ये इधर क्यों नहीं है, ये है हमारा हमारा चूल्हा, ये देखो ये देखो यहाँ भी स्टोर बना रखा है, बर्तन रखे लोगों ने, इसके बाद सब कंडीशन खत्म। कमल भाई क्या बोलते हो कि ये आटा गीला है बनने वाला कि सही हो गया, ये थोड़ा सा गीला गीला लग रहा है मेरे को, लग रहा है हाँ मेरे को लग रहा था कि ये गीला होगा, पर ठीक है चलो बनी जाएंगे रोटी मुझे लग रहा है। अब ये देखो भाई साहब तंदूरी स्टाइल में रोटी का वो बना रहा है, मतलब देखो ये देखो रोटी के टुकड़े, अब आदत पड़ी हुई है ना तंदूर में काम करते हैं तो उस हिसाब से इनको आदत पड़ी हुई है, देखो अब घर पे भी इसी तरीके से देखो सेम वही सीन है, देखो पहले रोटी के टुकड़े बना के रख दिए सारे, पर घर में ऐसा नहीं होता है ना, घर में तो एक एक करके बनाते हैं, पर आदत पड़ी हुई होटल वालों का क्या कर सकते हैं, उनका उनकी आदत नहीं बदल सकते हम लोग, तो चलो कोई नहीं फिर भी बना रहे। अब देखो सिक्योरिटी के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर देखो फ्रिज पे कितना बड़ा ताला लगा हुआ है, बड़ा तो नहीं है छोटा ही है, देखो इधर सिक्योरिटी ऐसे करनी पड़ती है अपने सामान की, खुद सिक्योरिटी करनी पड़ती है, और ये फ्रिज देखो इस तरीके से, और एक भाई साहब है जो थोड़ा लापरवाही से ये इन्होंने अपनी खिड़की छोड़ दी, इधर इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने बोला कोई बात नहीं कोई चोरी नहीं करता, इन्होंने भी ऐसे छोड़ दिया, फिलहाल अलग अलग रूम वालों के अलग अलग हुए ऐसा ही इनका सीन, सबका अपना अपना। ये दराज है देखो ये भाई सब किटर चॉपिंग बोर्ड ये सब अच्छे से उधर कम्बाइंड किचन में सब अच्छे से होते हैं। अब ये हमारे कमल भाई साहब बना रहे हैं होटल की स्टाइल में घर पे खाना बना रहे हैं, होटल की स्टाइल में घर में रोटी बना रहे हैं, देखो ए देखो दिख रहा है ना आपको, जिन लोगों ने तंदूर में काम किया होगा उनको पता चल रहा होगा, देखो तंदूर देखो बंद, देखो पहले रोटी के टुकड़े तोड़ के डाल दिए, आधे उसमें आटे में डाल दिए, और अभी देखो कितना बड़ा बड़ा बेल रहा है, अभी हाथ से भी थेपेटेगा तो पता नहीं कितना बड़ा बनेगा। चल ये रोटी ऑलमोस्ट इसमें अब बनने के लिए तैयार हो गई, ये देखो ये हमारी दाल पक रही, हमारी ये दाल बन गई है। अभी दो भाई लोग कंफ्यूज है कि दाल पकाई नहीं पकाई, एक कहता तूने अभी पानी डाला, दूसरा बोलता तूने अभी पकाया नहीं इसको, मेरे को तो लग रहा है कि हल्का हल्का ये दाल पक तो गया है। ये देखो घी डाला इन्होंने, देखो घर से लाया वो ओरिजिनल घी है, ये देखो कमल भाई साहब का ठीक है, और ये हो गया ये दाल में घी तो डल गया, पर अभी देखते हैं खाने के बाद पता चलेगा कि ये दाल और ये रोटी रेडी हो गई है ठीक है, तो हम अब खाने के लिए स्टार्ट। और ये देखो मोबाइल साथ में, मोबाइल नहीं छूटता है, देखो मोबाइल आपके गर्म करके देखो ये खाना सर्विंग हो रहा है हम लोगों को, ये अपना स्टाइल में नीचे बैठ के दो दो कच्ची दो दो पतीले में, ये देखो ये खाना बांट रहे दोस्तों। हमारा खाना पीना हो चुका है, अब हम थोड़ा अपना कुछ काम करते हैं, तो आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरीके की वीडियो आती रहेंगी।